हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे इज 6 जुलाई और आज मुझे कोविड वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगेगी। मैंने कोविड वैक्सीन की डोज बुक की थी। स्वीडन में सबको कोविड की वैक्सीन दी जा रही है और फ्री में दी जा रही है, तो वही आज मुझे लगेगी। पहले यहाँ पे 40 प्लस जो थे एज ग्रुप, उनको वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन अब 18 प्लस वालों को उन्होंने ओपन कर दिया है, तो उसी में मैंने बुकिंग की थी और वही मैं आज लगवाने जा रही हूँ। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा वही मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, तो आइए चलते हैं। अभी मैं कोविड की वैक्सीन लेने के लिए जा रही हूँ और मेरे साथ शनाया भी है मेरे सपोर्ट के लिए, क्योंकि मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, इसलिए शनाया मेरे साथ जा रही है। मेरा वहाँ एक्सपीरियंस कैसा रहता है इस वीडियो में मैं यही आपको बताऊंगी, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। मम्मा बी ब्रेव। टू टेन थैंक यू। हेलो, इंग्लिश? या इंग्लिश। या डू यू हैव योर आईडी विद यू? यस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब ने वीडियो में देखा है कि कितना इजी प्रोसेस था वैक्सीन लगाने का, बहुत इजीली सब काम हो गया और अच्छे से हो गया, और अभी मैं घर भी पहुंच चुकी हूँ। स्वीडन में स्वीडिश गवर्नमेंट सबको वैक्सीन लगा रही है और ये सबको एज वाइज लगा रहे थे। पहले 40 से ऊपर लग रहे थे और अभी 30 जून से इन्होंने 18 प्लस वालों के लिए खोल दिया था, तो हम भी तब से बुकिंग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये ओपन हुआ तो बहुत सारे लोग उसमें बुक करवाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से सारे टाइम स्लॉट बुक हो गए और इसी वजह से वेबसाइट भी स्लो हो गया था, तो हमें टाइम स्लॉट मिल नहीं पाया था। तो मुझे 6 जुलाई का टाइम स्लॉट मिला था और उसी में जाके मैंने फिर वैक्सीन ले ली है। बहुत से लोग बोलते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा सा फीवर आता है या आर्म में पेन होता है, तो डॉक्टर भी ऐसा ही बोल रहे थे कि थोड़ा सा पेन होगा जो एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, तो देखते हैं कि मेरे साथ कैसा रहता है। मैं अपना वैक्सीन लेने के लिए यालमार के पास फोन के थ्रू से वहाँ पे गई थी, तो वहाँ पे बहुत इजीली सब काम अच्छे से हो गया। फर्स्ट डोज की वैक्सीन लेने के बाद उसमें 4 से 7 वीक्स के बीच पे आपको सेकेंड वैक्सीन लगाएंगे। मुझे ये कार्ड दिया गया है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट डोज लग गई है और सेकेंड डोज के लिए मुझे वीक 34 पे जाना है, तो मैं सेकेंड वैक्सीन भी वीक 34 में ले सकती हूँ, जो कि अगस्त मंथ में होगा। तो इस तरह मेरी दोनों वैक्सीन लग जाएंगी। मुझे आज वैक्सीन लगी है और कुशल को तो मुझसे पहले ही वैक्सीन लग गई थी, उनको 2 जुलाई को वैक्सीन लग गई थी फ्राइडे को, उनको ऑफिस की तरफ से उनके सभी स्टाफ को वैक्सीन लगवाया गया था,
तो उनको बुक करने की जरूरत नहीं पड़ी, वहीं पे बहुत इजीली उनको वैक्सीन लग गई थी। ये कार्ड कुछ इस तरह से दिखता है, यहाँ पे फाइजर लिखा हुआ है, स्वीडन में फाइजर की वैक्सीनेशन हो रही है, और इस तरफ आपका फर्स्ट डोज का डेट डालते हैं और फिर सेकेंड डोज के लिए लिखते हैं, मुझे वीक 34 लिखा गया है। इंडिया में कोविशील्ड की वैक्सीन लग रही है, यहाँ पे फाइजर की वैक्सीन दी जा रही है। बहुत से लोग मेरी तरह इंजेक्शन से डरते हैं, मुझे खुद नीडल से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगी कि डरने की कोई बात नहीं है, आप आराम से जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। इतना इजीली वैक्सीन दे देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। थोड़ी देर अगर आपकी आर्म नेक्स्ट डे दर्द करेगी तो एक दिन तो चलो होता ही है, उसके बाद फिर ठीक हो जाएगी। तो सभी को वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए। जिन लोगों ने अभी भी बुक नहीं करवाया है वो इजीली 1177 पे जाके वैक्सीन बुक करवा सकते हैं। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही आराम से आपको वैक्सीन मिल जाती है और सेफ भी है। तो इसीलिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी और वैक्सीन लगवाने जरूर जाइए, क्योंकि कोविड से बचने के लिए अब यही एक तरीका है कि आप अच्छे से वैक्सीनेटेड हो जाएं। मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।